गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा का प्रवक्ता साथै आउँदो विधानसभा चुनाव का बीजेपी उम्मेदवार निरज जिम्बा को दार्जिलिङ स्थित हैप्पी वैली में आज चुनाव जनसभा गर्न जादा उनीमाथि हमला भयो भनेर निरज जिम्बा ले बताएका छन्। उक्त हमला में उनको गाड़ी को ऐना फुटेको छ, साथै हमला गर्नेहरूलाई आज दार्जिलिङ थाना में एफआईआर दर्ता पनि गरेका छन्। हैप्पी वैली का है, लुंगथांग का है और दूसरा अनिल राय, स्पेसिफिक कंपनी ने रुदिन गुरु जिसने मेरे को हमला किया, लेकिन ये अकम्पलिश है, जो ये दूसरा नाम मैं बता रहा हूँ ये अकम्पलिश है, बाइक चला रहा था और नारा लगा रहा था, लेकिन हमला करने वाला मेन आदमी जो है ये रुदिन गुरु है, इसके हाथ में एक शार्प वेपन था और इसके बैग में कुछ था। अगर मेरा सपोर्टर्स वहाँ नहीं होता और टाइमली मैं खुद इंटरवेन नहीं करता तो आज मैं आपके सामने नहीं रहता। वो ही कुड हैव डन एनीथिंग, वो कुछ भी कर सकते थे मेरे को, तो मैंने आज एक प्राथमिकता दायर किया है और मेरे साथ मेरा लीडरशिप था, मेरा साथ सपोर्टर्स था, तो भगवान का आशीर्वाद से भी मैं बच के आया हूँ। क्योंकि जब मेरा पहले तो ऑल्टरकेशन हुआ, जब हम वो एक हैप्पी वैली मोड में थे, जब मेरे को खदा माला आदमी लोग दे रहे थे, वो अचानक एक बाइक से आया, रेड कलर का बाइक है, पल्सर NS 200, उसका नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर भी मेरे पास है। और वो आने के बाद क्या हुआ कि वो ये सब नाराबाजी करने लगा, मैं जाके, क्योंकि लड़की लोग भी बहुत थे, लड़की सपोर्टर्स थे, वो गाली गलौज कर रहे थे, मुर्दाबाद जिंदाबाद नारा होता है राजनीति में, लेकिन जो अपशब्द कह रहे थे, तो उसके लिए मैं इंटरवीन करने खुद गया था। मैंने कहा था सपोर्टर्स को आप लोग मत करो, क्योंकि आपको जाने से वो कुछ हो जाएगा तो असुविधा होगा, तो खुद मैं गया था। आपको क्या लगता है किसने? देखिए अनित थापा जो है, अनित थापा पहले जो MP इलेक्शन हुआ शांतिपूर्ण हुआ था, लेकिन अनित थापा जो एक गुंडा लेके एक होटल में कैंप किया है और पैसा का राजनीति जो चल रहा है, कोई भी समाज को गिराने के लिए बिगाड़ने के लिए दो तंत्र का इस्तेमाल होता है, एक ड्रग का इस्तेमाल होता है जो रशियन पॉलिटी में हुआ था, जो अफ्रीकन पॉलिटी में हुआ था, किसी कम्युनिटी को दबाने के लिए, एक बड़ा कम्युनिटी किसी कम्युनिटी को एलिमिनेटेड करने के लिए, या तो उसका युवक लोग को ड्रग्स दे के वो उसको ख़त्म करता है, युवा का आवाज़ ख़त्म करता है, दूसरा तरीका है उसको पैसा दे के। दार्जिलिंग पहाड़ में ये कशोंग का आदमी आके दार्जिलिंग पहाड़ में इधर का आदमी को बुड़बक समझ के पैसा दे के ये राजनीति कर रहा है और दार्जिलिंग के आदमी को ये बुड़बक समझा है। दार्जिलिंग का जनता इसको 19 तारीख को सही जवाब देगा और इसके कारण आने से यहाँ पे राजनीति का स्थिति अभी खराब हो रहा है। नीरज जी, कल जो मोर्चा का जो पार्टी ऑफिस पे आप घुस के जो एलिगेशन लगाया हुआ आपको, एलिगेशन दैट इज सिंपली एलिगेशन, आप जाओ आप देखो, वहाँ का आदमी को पूछो, वो ओपन था और मेरे पास वीडियो क्लिप भी, आई हैव द वीडियो क्लिप, जो मैं घुसा, मैं तो कानून का आदमी हूँ, कानून जानता हूँ, मास्टर डिग्री मैंने किया है, मेरा प्रैक्टिस हाईकोर्ट तक है, आई हैव मूव्ड अ पिटीशन इन द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो, आई हैव मूव्ड अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन द सुप्रीम कोर्ट थ्राइस, तो मैं ऐसा इलीगल काम कभी करूंगा? मैंने देखा वो खुला था, वहाँ पे आदमी था, मेरा रिपोर्टर्स है, मैं एक एक रिपोर्टर का नाम लेके बता सकता हूँ, लेकिन वो मैं नहीं बताऊँगा, लेकिन समय आने पर हम वीडियो रिलीज करेंगे। और ये मेरे को आज ये कोई लोग एलिगेशन दिया कि हम लोग जो अजय एडवर्ड्स नहीं था वहाँ पे, ही वॉज नॉट एट ऑल प्रेजेंट, मैंने कहा था कि सिर्फ मैं जाऊँगा, मैं अकेला जाऊँगा, कोई मेरे साथ नहीं, वो वीडियो में भी देखा है कि मैं कोई को लेके वहाँ पे फंसाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ बंगाल का वो जो नीति है, जो वेंडेटिव पॉलिटिक्स है, तो हम वहाँ गए और झंडा लगा दिया, झंडा लगाने में क्या है, मैक्सिमम होगा मेरे को उसमें गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में अगर मैं झंडा लाऊंगा तो पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में मेरे को एक बेनेबल सेक्शन होगा, मैं जुर्माना देके या कोर्ट में वो कर लूँगा। लेकिन देखिए वहाँ पे खुला था, 400 अननोन पीपल वहाँ पे कब्जा करके बैठा था, वो वीडियो में वो सिविक पुलिस होने से ड्रेस में होना चाहिए। अगर एक सील्ड हुआ प्रॉपर्टी, किसी का प्रॉपर्टी सील होता है तो हम कानून जानते हैं, सील प्रॉपर्टी में कोई किसी को घुसना नहीं चाहिए, उसमें एक ताला लगाया होता है और सील किया होता है, वो कैसे सील हुआ, तो वो सील प्रॉपर्टी नहीं था। और मैंने बाहर जाके झंडा लगाया, कुछ इलीगल काम नहीं, ताला वाला सब था, वीडियो रिपोर्टर्स मेरे साथ गया था, बहुत सारा रिपोर्टर्स आज मैं देख रहा हूँ,
तो ये एक विंडिक्टिव पॉलिटिक्स है, वो लोग प्रोपोगंडा चला रहा है और किसी का झंडा लगाने में कोई आरोप नहीं है। मेरा पार्टनर का झंडा है, हम लोग का गोरखा जाति का एक महान लीडर का झंडा है, एक टाइम मैंने उनका झंडा से मुंह पूछ दिया था, ये लोग अभी उसको वायरल कर रहा है, बार बार चला रहा है, तो ये लोग को दिखाने के लिए भी मैंने एक सिम्बॉलिक रूप पे एक झंडा लगा दिया था। और बिमल गुरुंग जी का झंडा कोई डिस्प्यूटेड झंडा नहीं, जैश ए मोहम्मद का झंडा तो नहीं है, तालिक ए इकबान का झंडा है क्या? हाईकोर्ट का रूलिंग है कि ये झंडा सही है, इसका पार्टी का रजिस्ट्रेशन है, इसलिए हाईकोर्ट का एक जजमेंट है कि बिमल गुरुंग अपना तरीका से लड़ सकता है और विनय तामंग भी अपना तरीका से लड़ सकता है। तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्टेड झंडा एक पॉलिटिकल नॉन रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी का झंडा लगा, नॉन रिकॉग्नाइज रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी का हमने झंडा लगाया है और मेरे को फॉल्स केसेस में फैब्रिकेट कर दिया। आई एम रेडी टू कोर्ट सरेंडर, मैं कोर्ट के बाहर हूँ, आई एम रेडी टू कोर्ट सरेंडर, हम भागने वाला नहीं है, हमको पकड़ लो, हम आया है कोर्ट में, आपके माध्यम से बोल रहा हूँ। तो ये इलीगल चीज़, ये लॉ का विरुद्ध चीज़ ये करना नहीं चाहिए। और आलोकान थुलुंग बार बार मेरे को टारगेट कर रहा है, मैं एक ट्राइबल आदमी हूँ, आई एम अ ट्राइबल, अगर ट्राइबल का पॉलिटिकल एस्पिरेशन नहीं हो सकता है, एक जनजाति आदमी पॉलिटिक्स में बढ़ नहीं सकता है, उठ नहीं सकता है, एक ट्राइबल को धमका के इतना एट्रोसिटीज़ करके हमको अटैक करवा के, ये देर इज़ अ ब्रीच ऑफ ट्राइबल एट्रोसिटीज एक्ट। आई एम ऑल्सो राइटिंग टू द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स फॉर माई प्रोटेक्शन, और ये जो केस होगा DSP लेवल पे होगा, क्योंकि इधर में भी ट्राइबल एट्रोसिटीज़ का हुआ, एक ट्राइबल को ऐसे करके ह्यूमिलेट किया गया पब्लिक के सामने, गलत नाराबाजी किया है और अटैक किया है, इट शुड बी डेल स्ट्रिक्टली। और आलोकान मणि थुलुंग का 30 मार्च का आपको स्पीच रहे, याद रहना चाहिए आपको, आपका टीवी ने भी चलाया था, उस वीडियो में उन्होंने कहा है कि नीरज तामंग को भी मदन तामंग के जैसा नतीजा हो सकता है, अगर नीरज तामंग ज़्यादा बोलेगा तो नेक्स्ट मदन तामंग हो सकता है, और FIR में वो भी मेंशन है। तो मैंने देखिए वो लोग का FIR में 100 others बोल के बिना पत्ता किसी आदमी ही नहीं है, ये माई इज़ नॉट विंडिक्टिव FIR, मैंने किसी के ऊपर रिस झाड़ा नहीं, मैंने जो आदमी गलत किया है सिर्फ उसी का नाम दिया एंड अदर्स नहीं बोला है। तो हेल्दी पॉलिटिक्स होना चाहिए और मेरे ऊपर हमला कोई भी नहीं कर सकता है, क्योंकि मेरे ऊपर मेरा जनता है और महाकाल बाबा है, और मैं विचलित भी नहीं हूँ, हिला भी नहीं हूँ, मैं ऐसे मामूली बात से डरता नहीं हूँ। एंड वी आर गोइंग बैक, हम वहीं जाके अब अपना वक्तव्य देंगे, क्योंकि वहाँ पे मेरा भाषण है अभी, मैं वहीं जाके अपना वक्तव्य देके अपना कैंपेन करके लौटूंगा, और आप लोग का इतना बहुसंख्या में समर्थन के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैले दुईजनाको नाममा गरेको छु, तर त्यो दुईजना हेर्नुहोस्, दुईजनामा भन्दा बिचरा एकजना त बाइक चलाएर आएको थियो, म बाइक चलाएर आएको मान्छे हो, उसले बाइक चलाउनु बाइक अरू केही पनि गरेन, नारा लाउनु बाइक, तर एट्याक गर्ने चाहिँ रुदेन गुरुङ भन्ने चाहिँ एकदमै मैले पनि आँखाले आइडेन्टिफाई गरेको, अरूले पनि मलाई बताएको, ऊ चाहिँ एकदमै असलेन्ट एसाइलेन्ट हो। यो घटना चाहिँ पहिला चाहिँ ह्याप्पी भ्याली मोडमा भएको, त्यो पछि त्यो अलिकति मान्छेहरूको इन्टरभेन्सनले साम्य भएर अलिकति माथि आउँदा चाहिँ त्यसले फेरि हामीलाई बाइकबाट फलो गरेर एउटा घुम्तीमा रोकेर, धन्न मेरो म बसेको गाडीको साइड चाहिँ म अलिक तल भिरपट्टि परेको हुनाले उनीहरूले गरेन, र यो यहीँको घटना के एउटा कसैलाई केही चोटहरू कसैलाई हुनु भगवान्को आशीर्वादले कृपाले सानो खरोज पनि लागेन, एक्सेप्ट माई ड्राइभरलाई त्यो सानो आँखामा त्यो उयो पस्यो भन्दै थियो, तर त्यो पनि केही त्यस्तो मेजर त यो चाहिँ मेन तर एट्याक इन्टेन्सन कन्सपिरेसी एटेम्प टु मर्डर कन्सपिरेसी यो ठुलो कुरा हो नि। आज उसले त्यो मेरो सपोर्टरहरू गाडीमा नभएकोमा यो हतियार गोजीमा हाल्दै थियो, र यो चाहिँ एकदमै म यो अनित थापा आएकोदेखि चाहिँ पारा शान्त भएको छ, र अनित थापालाई चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो प्रशासनले यहाँबाट ब्याक गराउनु पर्छ। झमेला हामीले त्यही भन्दैछौँ त, अनित थापा आएर पैसा बाँड्दैछ युवकहरूलाई, पुलिसहरूलाई हामी रिक्वेस्ट छ, पुलिसले निष्पक्ष भएर ल एन्ड अर्डर मानिदिनुपर्छ। पुलिस के हो? एउटा ल इन्फोर्समेन्ट एजेन्सी हो, उसले केवल पुलिसको काम गरिदियो, हामीलाई पुलिससँग अब अहिले त केही पनि उयो छैन, पुलिस सुड वर्क एज पुलिस, त्यति नै हाम्रो भनाइ छ। छ एउटा रुदेन र अनिल।